हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गुरु। प्लीज क्लिक ऑन द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम एक फाइल में से डाटा रीड कैसे कर सकते हैं, और आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी फाइल में डाटा राइट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आज का सेशन भी इजीली समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइल हैंडलिंग के लिए सबसे पहले हमें पाइथन का कोड लिखना होगा। तो मैं स्टार्ट पे क्लिक करके टाइप करती हूँ आईडीएली, और यहाँ से मैंने पाइथन को ओपन किया। यहाँ से मैं जाती हूँ फाइल में से न्यू फाइल पे, सो दैट मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकूँ। जिस तरह से फाइल में से डाटा रीड करने के लिए हमने सबसे पहले फाइल को ओपन किया था, सेम उसी तरह से फाइल में डाटा राइट करने के लिए भी हम उसे ओपन करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा F इक्वल टू ओपन। अब मैं यहाँ पर फाइल की लोकेशन दूंगी। तो मैंने ये फाइल की लोकेशन और फाइल का नेम स्पेसिफाई कर दिया है। इट मीन्स डी ड्राइव के अंदर एक पाइथन फोल्डर होगा और उसके अंदर होगी हमारी फाइल 1.txt। और अब स्पेसिफाई कर रही हूँ मैं उसका मोड। मैंने मोड दे दिया W। तो W का मीनिंग होता है कि अब मैं इस फाइल के अंदर डाटा राइट कर रही हूँ। तो इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये हुआ कि हमारी फाइल 1.txt फाइल राइट करने के लिए ओपन हो जाएगी, और उस फाइल की रेफरेंस स्टोर है F में। अब इस F की हेल्प से हम इस फाइल में डाटा राइट करवाएंगे। फाइल में डाटा राइट करने के लिए हमारे पास है राइट फंक्शन। मैंने एक मैसेज दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद मैंने फाइल को रन किया, तो देखिए स्क्रीन के ऊपर कुछ भी आउटपुट नहीं आई, कोई एरर भी नहीं आया। आउटपुट क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया, हमने ये राइट जो है फाइल में राइट करवाया है। तो चलिए अब हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। दोस्तों, मैं डी ड्राइव में गई। डी ड्राइव में ये रहा हमारा पाइथन फोल्डर और ये रही हमारी फाइल। तो देखिए फाइल तो बन गई, लेकिन फाइल के अंदर डेटा नहीं है। वाई? इसका रीज़न है कि फाइल में डाटा राइट करने के बाद हमने फाइल को क्लोज नहीं किया। मैंने लिखा f.close। प्रोग्राम को मैंने फिर से रन किया, सक्सेसफुली रन हो गया। ये देखिए दोस्तों, अब फाइल के अंदर हमारा डाटा राइट हो गया है। मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि फाइल हैंडलिंग में फाइल के ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद उसको क्लोज करना ज़रूरी है। तो अगर आप फाइल क्लोज नहीं करेंगे तो फाइल में डाटा राइट नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी फाइल में एक और लाइन ऐड करवाते हैं। दिस इज लाइन 2। मैंने सेव किया, प्रोग्राम को रन किया। ये देखिए हमने तो दोनों मैसेजेस डिफरेंट लाइन में दिए थे, लेकिन यहाँ पर वो सेम लाइन में आ गया, बिकॉज हमने न्यू लाइन स्पेसिफाई ही नहीं किया। सो न्यू लाइन देने के लिए आपको सिंपली लगाना है /n। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये वाला मैसेज फर्स्ट लाइन में आएगा और ये सेकेंड लाइन में आएगा। फाइल को रन किया, नो एरर। फाइल ओपन करके देखते हैं। ये देखिए अब दोनों मैसेजेस हमारे डिफरेंट लाइन में आए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपनी फाइल के अंदर डाटा राइट कर सकते हैं। दोस्तों, पाइथन में हमारे पास फाइल में डाटा राइट करने के लिए एक और फंक्शन है, वो है राइट लाइन्स। देखिए अब मैं दोनों जगह पर राइट लाइन की जगह यूज़ कर रही हूँ राइट लाइन्स। यहाँ पर मैं /n हटा रही हूँ। मैंने प्रोग्राम को सेव किया, रन किया, सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम फाइल ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं है, यानी कि हम राइट या राइट लाइन्स दोनों में से कुछ भी यूज़ करते हैं तो फाइल में डाटा राइट कर देता है। सो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि राइट एंड राइट लाइन्स दोनों एक जैसा ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है कि राइट फंक्शन जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज को ही फाइल में राइट कर सकता है, लेकिन अगर मैं राइट लाइन की बात करूं तो मैं इसके साथ ब्रैकेट में एक लिस्ट भी स्पेसिफाई कर सकती हूं, और ये उस लिस्ट के सभी एलिमेंट्स को फाइल में राइट कर देगा। चलिए देखते हैं। मैंने यहां पर एक लिस्ट क्रिएट की,
ये देखिए, अब मैं राइट लाइंस की हेल्प से इस लिस्ट को फाइल में राइट करवाती हूँ। हमने सेव किया, प्रोग्राम को रन किया, ये देखिए नो एरर। अब हम फाइल को ओपन करके देखते हैं। एप्पल मैंगो बनाना, उस लिस्ट के अंदर जो हमारा डेटा था वो एज इट इज़ फाइल में राइट हो गया और उसके बाद हमारा दिस इज़ लाइन टू भी आ गया। अब सेम यही काम मैं राइट लाइंस की जगह अगर राइट से करना चाहूँगी, देखो मैंने सेव किया, रन किया, देयर इज एरर बिकॉज राइट के साथ ब्रैकेट में हम जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो स्ट्रिंग फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन राइट लाइंस के साथ हम किसी भी टाइप का डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि हमने जितनी बार भी अपने इस प्रोग्राम को रन किया, हर बार सिर्फ उस टाइम की ही आउटपुट फाइल में थी, यानी कि उससे पहले वाली जो आउटपुट थी वो उसमें से इरेज हो गई। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी फाइल को राइटिंग मोड में ओपन करते हैं तो ओपन होने के बाद उस फाइल का पुराना सारा डाटा इरेज हो जाता है। मान लीजिए आपने एक फाइल को ओपन किया और उसमें कुछ डेटा राइट किया, लेकिन जब आप उसी फाइल को सेकेंड टाइम ओपन करेंगे तो वो फिर से ब्लैंक हो जाएगी। इट मीन्स डब्ल्यू मोड एक तरह से फाइल के पुराने डाटा को ओवरराइट कर देता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि एक बार आपने फाइल में कुछ डेटा राइट किया वो उसमें एज इट इज रहे और नेक्स्ट टाइम जब आप फाइल को ओपन करें तो वो डेटा उसके साथ एड ऑन हो जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपेंड। तो फाइल में डेटा सिंपली राइट करने की जगह अब हमें उसे क्या करवाना पड़ेगा, अपेंड करवाना पड़ेगा। सो दोस्तों, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं हमारे पास फाइल में डाटा राइट करवाने के। जैसे रीडिंग मोड मैंने आपको अभी बताया, ये फाइल में से डेटा को रीड करेगा। आरबी मोड फाइल में से डेटा को रीड करेगा, लेकिन इस बार ये फाइल को सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में ओपन करेगा। आर मतलब टेक्स्ट मोड में, आरबी मींस बाइनरी मोड में, आर प्लस मींस इस अब आप डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। आरबी प्लस हो गया बाइनरी के लिए, डब्ल्यू का मतलब हुआ फाइल में डेटा राइट करना, डब्ल्यू बी मींस बाइनरी मोड में राइट करना, W प्लस अब आप फाइल से डाटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। WB प्लस बाइनरी मोड के लिए। फिर आ गया हमारा A, A मीन्स फाइल में डाटा अपेंड करना। तो हम इसी की बात कर रहे थे, जब जहां पर हमने पहले R या W लिखा था, अब हम R या W की जगह लिखेंगे A मोड। A मीन्स अपेंड, यानी कि फाइल का पुराना डाटा वहीं रहेगा, न्यू इन्फॉर्मेशन उसके साथ एड ऑन हो जाएगी। ए बी का मतलब हुआ अपेंड करना है बाइनरी फॉर्म में, एंड ए प्लस का मतलब हुआ कि आप उस फाइल से डेटा रीड भी करना चाहते हैं और उस फाइल में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड भी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपेंड मोड को याद रखने के लिए आप सिंपल ऐड से भी याद रख सकते हैं कि W मीन्स राइटिंग द फ्रेश डेटा, यानी कि हर बार पुराना डाटा इरेज होके न्यू डाटा राइट होगा, और A का मतलब हुआ ऐड डाटा, इट मीन्स पुरानी इन्फॉर्मेशन एज इट इज रहेगी और न्यू इन्फॉर्मेशन उसके साथ एड ऑन हो जाएगी। तो चलिए अब हम फाइल को अपेंड करके देखते हैं। सो दोस्तों, ये देखिए, ये है मेरी फाइल वन जिसमें अभी टू लाइंस का डेटा है। अब मैं फाइल को फिर से ओपन करूँगी और नेक्स्ट लाइंस इसमें अपेंड करूँगी। तो मैंने फाइल को फिर से ओपन किया, लेकिन इस बार मैंने मोड दे दिया ए, ए फॉर अपेंड। अब मैं सिंपल मैसेज दे रही हूँ तो मैं राइट फंक्शन भी यूज़ कर सकती हूँ, और मैंने लिखा दिस इज लाइन थ्री, दिस इज लाइन फोर। सेव किया, रन किया, देखिए नो एरर। फाइल को ओपन करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये दो लाइंस फाइल में ऑलरेडी रिटन थी और ये दो लाइंस हमने यहाँ से अपेंड की है। ये देखिए दोस्तों, ये दो लाइन फाइल में पहले से रिटन थी और ये दो लाइंस हमने अभी अपेंड की है। तो इस तरह से ए मोड की हेल्प से हम फाइल में डाटा अपेंड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पाइथन में हमारे पास फाइल हैंडलिंग में कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं जिसकी हेल्प से हम फाइल में आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में रीड करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम फाइल हैंडलिंग में रीडिंग या राइटिंग मोड में फाइल को ओपन करते हैं
तो कर्सर हमेशा स्टार्टिंग में होता है। मान लीजिए आप स्टार्टिंग से कुछ कैरेक्टर्स को कुछ बाइट्स को रीड करना चाहते हैं, उसके बाद आप नेक्स्ट कुछ बाइट्स को स्किप करके फिर से रीडिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस यूज होते हैं, एक है टेल और एक है सीक। टेल फंक्शन हमें बताता है कि हमारे फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन कौन सी है। अगर हमने फाइल को जस्ट ओपन किया है तो टेल हमें जीरो देगा, इट मीन्स हमारा कर्सर फाइल की स्टार्टिंग में है, जीरोथ बाइट पर है। जब हम कुछ डेटा रीड कर लेंगे, मान लीजिए मैं फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड कर लेती हूँ, तो इस टाइम पे मेरा फाइल पॉइंटर यहाँ पर होगा, तो टेल फंक्शन मुझे इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। चलिए करके देखते हैं। अब मैं सेम फाइल को ओपन कर रही हूँ रीडिंग मोड में। अब मैं प्रिंट के अंदर कॉल करने वाली हूँ टेल फंक्शन, ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरे फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है। उसके बाद मैंने फाइल में से कुछ डेटा रीड किया, फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स, और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन के अंदर दे दिया। और अब मुझे चेक करना है कि मेरे फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है। मैंने सेव किया, रन किया, ये देखिए दोस्तों आउटपुट। अभी आउटपुट कैसे आई, इसको समझने के लिए मुझे फाइल को ओपन करना होगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने F इक्वल टू ओपन लिख के फाइल को ओपन किया, फाइल ओपन हो गई और हमारा कर्सर था स्टार्टिंग में। फिर हमने बोला एफ डॉट टेल, यानी कि हम करंट फाइल पॉइंटर की लोकेशन को गेट कर रहे हैं और स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। फाइल पॉइंटर था स्टार्टिंग में, तो हमें आउटपुट में मिल गया 0। नेक्स्ट स्टेप में हमने बोला एफ डॉट रीड फाइल, यानी कि हम नेक्स्ट 5 बाइट्स को रीड कर रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं, तो नेक्स्ट 5 बाइट्स आ गई एप्पल, यहाँ तक। इट मीन्स इतना डेटा रीड हो चुका है, एप्पल प्रिंट हो गया। मैंने फिर से एफ डॉट टेल फंक्शन को कॉल किया, जो कि मेरे फाइल पॉइंटर की लोकेशन बताएगा। अब क्योंकि 5 बाइट्स रीड हो चुके हैं, तो कर्सर की पोजीशन कहाँ पर है, 5 पर, इसीलिए जब हमने उसकी लोकेशन को प्रिंट करवाया तो हमें आउटपुट में क्या मिला, 5। बस दिस इज 1 2 3 4 5, तो 5 बाइट्स रीड करने के बाद फाइल पॉइंटर आ गया 5th नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से टेल फंक्शन हमें बताता है कि मेरे फाइल पॉइंटर की लोकेशन क्या है, यानी कि नेक्स्ट रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन किस लोकेशन पर होने वाला है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास सीक। सीक के साथ हम ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने कितने बाइट्स आगे या पीछे मूव करना है। सीक के साथ दो पैरामीटर्स हम स्पेसिफाई करते हैं, एक बताते हैं नंबर ऑफ बाइट्स जो हमें आगे या पीछे जंप करना है, और सेकंड पैरामीटर में हम बताते हैं ऑफसेट। ऑफसेट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग लोकेशन। मैंने फाइल को ओपन किया, टेल की हेल्प से उसकी करंट पोजीशन गेट की, तो 0 आएगा। एफ डॉट सीक 5,0। 5 का मतलब है कि मुझे 5 बाइट्स आगे जंप करना है, लेकिन कौन सी लोकेशन से मैं जंप करना स्टार्ट करूंगी, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया 0। 0 का मतलब होता है मुझे फाइल की बिगिनिंग से आगे जंप करना है। सो दोस्तों, 0 का मतलब होता है कि मुझे फाइल की बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग से इतने बाइट आगे जंप करना है। अगर मैं यहाँ 1 दूंगी तो 1 का मतलब होता है जहाँ करंटली मेरा पॉइंटर है, मुझे उससे आगे मूव करना है। और 2 का मतलब क्या होगा, एंड। तो याद रखिएगा, जब भी आप 2 देंगे तो आपको यहाँ पे माइनस का नंबर देना होगा कि हमें एंड से इतने बाइट पीछे जंप करना है। चलिए देखते हैं। मैंने अभी स्पेसिफाई किया सीक 5,0, यानी कि फाइल की बिगिनिंग से 5 बाइट्स आगे जंप करना है। अब हम फाइल में से डाटा रीड करके डायरेक्टली प्रिंट करवाते हैं। सेव किया, रन किया, तो ये देखिए दोस्तों मुझे आउटपुट में क्या मिला। ये थी मेरी फाइल। एफ डॉट टेल से मैंने करंट पोजीशन गेट की, 0 आ गया। सीक 5,0 यानी फाइल की स्टार्टिंग से 5 बाइट्स आगे जंप करेंगे, सो 1 2 3 4 5। इट मीन्स यहाँ पे पहुँचा मेरा कर्सर, और उसके बाद मैंने सिंपली डेटा को रीड कर दिया, इसीलिए मैंगो से लेके आगे तक की पूरी आउटपुट हमें मिल गई। ठीक है, चलिए अब हम इसे चेंज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ कि जब भी हम सीक फंक्शन में रिलेटिव लोकेशन स्टार्टिंग के अलावा कुछ और देना चाहते हैं, यानी कि अगर हम 1 या 2 स्पेसिफाई करना चाहते हैं, 1 मीन्स हमारी करंट पोजीशन एंड 2 का मतलब होता है एंड ऑफ द फाइल,
जब हमें इन दोनों में से कोई भी लोकेशन बतानी है तो उसके लिए हमें फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना ज़रूरी है, यानी कि मुझे अब यहाँ पर रीडिंग की जगह मोड देना पड़ेगा RB। फिलहाल मैंने मोड चेंज नहीं किया और मैंने ऐसे कोडिंग दी। मान लीजिए ये है मेरी फाइल जिसको मैंने सिंपल रीडिंग मोड में ओपन किया। f.read से मैंने उसके 5 bytes को रीड किया एप्पल और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने फाइल पॉइंटर की लोकेशन को गेट किया तो मेरे पास आएगा 5। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा f.seek 3,1, यानी कि जो मेरी करंट पोजीशन है, इट मीन्स यहाँ मैं यहाँ से 3 bytes आगे जंप करना चाहती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल ये कोड वर्क नहीं करेगा, ये हमें एरर देगा। इसका रीज़न क्या है? जब भी हम यहाँ पर रीडिंग मोड के साथ रीड बाइनरी मोड स्पेसिफाई नहीं करते, यानी बाइनरी मोड में फाइल ओपन नहीं हुई, तो वो सिर्फ सीक फंक्शन को फाइल के बिगिनिंग वाले मेथड के थ्रू तो ठीक चलाएगा, लेकिन अगर मैं 1 या 2 दे दूंगी तो उसके साथ ठीक से वर्क नहीं करेगा। ये देखिए, मैं इसको सेव करके रन करके दिखाती हूँ आपको। सेव किया, रन किया, ये देखिए एरर आ गया दोस्तों। कैनॉट डू नॉन जीरो करंट रिलेटिव सीक्स, यानी कि अगर आपने मोड सिंपल दिया है R, तो आप यहाँ पर 0 के अलावा कोई और लोकेशन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आपको फाइल के बिगिनिंग से ही जंप बताना पड़ेगा कि कहाँ करना है। लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रीडिंग के साथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा बाइनरी मोड RB। देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे RB किया, प्रोग्राम को सेव किया, रन किया तो ये देखिए दोस्तों हमें आउटपुट भी मिल गई। अब हम इस आउटपुट को समझते हैं कि आउटपुट कैसे आई। ये थी हमारी फाइल जिसको हम ओपन कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट से फाइल ओपन हो गई रीड बाइनरी मोड में, याद रखिएगा B बाइनरी मोड। उसके बाद मैंने f.read यानी कि फर्स्ट 5 bytes को रीड किया और स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट 5 bytes। अब आप देख रहे हैं कि आगे B लिखा हुआ है बिकॉज इट इज़ इन बाइनरी मोड, और जो हमें डेटा मिला है उसके स्ट्रिंग वैल्यू के लिए सिंगल कोट्स भी आ रहे हैं। अब एप्पल प्रिंट होने के बाद मेरा कर्सर है इधर, f.tell से उसकी लोकेशन गेट हुई 5 और प्रिंट की हेल्प से स्क्रीन पे प्रिंट हो गई 5। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला f.seek 3,1, यानी कि जो मेरी करंट पोजीशन है यहाँ पर। अब करंट पोजीशन से मैं 3 bytes आगे जंप कर रही हूँ, यानी कि MAN, हमने मैन को जंप कर दिया, तो अब मेरी करंट पोजीशन हो गई ये। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने बोला प्रिंट f.tell, यानी कि अब ये वाली लोकेशन आ जाएगी। तो 5 bytes पहले, 3 bytes अब, हो गया 8। इसीलिए ये देखिए हमें आउटपुट मिल रही है 8। और उसके बाद मैंने बोला प्रिंट f.read, यानी कि अब जहाँ पर कर्सर है उसके आगे का सारा डाटा हमें रीड करना है। तो ये देखिए ये आउटपुट में आ गया। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने फाइल को बाइनरी मोड में रीड करने के लिए ओपन किया है, तो जहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन है ये देखिए /r/n आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से अगर आपको फाइल के लास्ट से कुछ बाइट्स पीछे जंप करना है, जैसे यहाँ पे अभी हमने पूरी फाइल रीड कर ली, अब मैं लिखती हूँ f.seek, मुझे फाइल के लास्ट से 10 bytes आगे जंप करना है। तो मैंने लिखा 10,2, तो 2 मतलब फाइल के लास्ट से। अब हम रिवर्स जंप कर रहे हैं, तो हम यहाँ 10 नहीं, हम यहाँ लिखेंगे -10। इसके बाद टेल से हम उसका लोकेशन गेट करते हैं और बचे हुए डेटा को रीड करते हैं। चलिए मैंने सेव किया, रन किया, ये देखिए ये हमारे पास आउटपुट आ गए। दोस्तों यहाँ तक तो हम एक बार फाइल की सारी आउटपुट गेट कर चुके थे जो ये लाइन से आ रही है। उसके बाद हमने लिखा f.seek -10,2, यानी जो फाइल का लास्ट था उससे 10 bytes हम पीछे जंप कर गए। 10 bytes आएंगे हमारे यहाँ तक, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, स्पेस को भी वो 1 byte कंसिडर करता है। तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया। f.tell से जब हमने इसकी वैल्यू गेट की तो स्टार्टिंग से ये 52th लोकेशन होगी, तो यहाँ आ गया 52। उसके बाद हमने f.read किया, यानी कि अब हम यहाँ से फर्दर रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट आ गई एज इज लाइन 4। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों आज जो मैंने आपको टेल और सीक के बारे में बताया, ये आपको किसी भी और वीडियो में नहीं मिलने वाला, इसीलिए ये मैंने आपके लिए स्पेशली बनाया है। आई होप
आपको ये पसंद आया होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल करेंगे जो कि अपने आप में एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। सो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और आप इसमें और किस तरह की मॉडिफिकेशन या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।